Glen microwave, model number GL673। इसके साथ हमें अटैचमेंट्स में तीन चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले हमारा रोलर रिंग है। डोर को ओपन करें, रोलर रिंग को ओवन फ्लोर पे प्लेस कर दें। सेकेंड अटैचमेंट इसके साथ ग्लास टर्न टेबल है। इसके ग्रूव्स में ये फिक्स हो जाएगा। थर्ड अटैचमेंट इसके साथ ग्रिल रैक है, जो ग्रिल फंक्शन में ही सिर्फ यूज होगा, माइक्रोवेव में यूज नहीं होगा। ये आपका ओवन विंडो है, ये कंट्रोल पैनल है। अब हम आपको बताएंगे इसे यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले प्लग इन करें। ये आपका डिस्प्ले स्क्रीन है, ये रोटेटिंग नॉब है, जिसको अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइम सेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये डिफ्रॉस्ट मोड पे चला जाएगा। इसमें पांच कंट्रोल बटन्स हैं। सबसे पहला बटन आपका माइक्रो फंक्शन का है, नेक्स्ट आपका ग्रिल फंक्शन का है, और इसी से कॉम्बिनेशन कुकिंग भी आप कर सकते हैं। थर्ड बटन आपका ऑटो मेन्यू का है, जिसमें 1 to 6 प्रीसेट मेन्यूज हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका क्लॉक एंड टाइमर का है, जिससे आप माइक्रोवेव की क्लॉक सेट कर सकते हैं और डिले टाइम भी सेट कर सकते हैं। लास्ट बटन आपका स्टार्ट और रीसेट का है, जिससे आप कुकिंग को स्टॉप, स्टार्ट और फंक्शंस को रीसेट कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए आप सिर्फ स्टार्ट रीसेट बटन से भी यूज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली माइक्रोवेव पावर 100 ले लेगा और 1 मिनट पे स्टार्ट हो जाएगा। डिस्प्ले टाइम इसमें 1 मिनट आ गया और माइक्रोवेव फुल पावर पे 1, 2, 3 एंड 5 पे वर्क कर रहा है। स्टार्ट रीसेट से ये स्टॉप हो गया। अगर आप माइक्रोवेव की पावर चेंज करना चाहते हैं, माइक्रो बटन को प्रेस करें। सबसे पहले पावर 100 शो कर रही है और फुल 5 पावर नीचे डिस्प्ले हो रही है। अगेन प्रेस करें, पावर कम हो गई एंड 4 सेल्स इंडिकेट कर रहे हैं। दोबारा प्रेस करेंगे तो पावर 50 हो गई एंड 3 सेल्स इंडिकेट होंगे। अब पावर 30 जो 2 सेल्स में है एंड पावर 10 जो 1 सेल इंडिकेट कर रही है। अगेन प्रेस करेंगे, पावर 100 आ जाएगी, जो माइक्रोवेव की हाईएस्ट पावर है। सेकंड फंक्शन हमारा ग्रिल का है, इससे आप ग्रिलिंग कर सकते हैं। ग्रिलिंग करने के लिए आपको ग्रिल रैक, जो माइक्रोवेव के साथ अटैचमेंट्स में प्रोवाइडेड है, उसको यूज करें। ग्रिल रैक आपका टर्न टेबल के ऊपर ही प्लेस हो जाएगा। खाने को ग्रिल रैक पे प्लेस कर दें। इसके बाद जब ग्रिल फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, क्या आपको 2 ऑप्शंस देगा। सबसे पहला ऑप्शन इसमें G1 का है, जो 85% ग्रिल पावर पे है। सेकंड G2 है, जो 50% ग्रिल पावर पे वर्क करेगा। टाइम सेट करने के लिए टाइमर नॉब को क्लॉकवाइज घुमाएं, ये 10 सेकंड्स पे इंक्रीज होती जाएगी। इसका मैक्सिमम टाइम 60 मिनट्स है। स्टार्ट रीसेट बटन को प्रेस करके कुकिंग को आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप ग्रिलिंग करेंगे, इन बिटवीन इसमें 2 साइकिल्स होंगी, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ, जैसे आपने 10 मिनट्स के लिए कुकिंग टाइम सेट किया है, 5 मिनट्स के बाद माइक्रोवेव पॉज हो जाएगा। आप जो ग्रिल के ऊपर आपने खाना रखा है उसको आप पलट सकते हैं। जैसे कि आप पनीर टिक्का बना रहे हैं तो आप पीसेस को पलट दीजिए और डोर को बंद करके स्टार्ट रीसेट से स्टार्ट कर दीजिए। इनकेस आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। 1 मिनट पॉज के बाद
ग्रिल अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड फंक्शन इसमें हमारा कॉम्बिनेशन कुकिंग का है, जो ग्रिल बटन से सिलेक्ट होता है। ग्रिल बटन को सिलेक्ट करें, C1 डिस्प्ले करेगा, कॉम्बिनेशन नीचे लिखा आएगा। इस कॉम्बिनेशन कुकिंग में माइक्रो प्लस ग्रिल वर्क करेगा, इसमें आपको ग्रिल रैक नहीं लगाना। इसमें 55% माइक्रोवेव की पावर होगी एंड 45% ग्रिल होगा। सेकेंड प्रेस करेंगे, C2 कॉम्बिनेशन डिस्प्ले करेगा, इसमें 30% माइक्रोवेव है एंड 70% ग्रिलिंग है। टाइम नॉब से टाइम सेट करें, स्टार्ट रीसेट से कुकिंग को स्टार्ट कर लें। थर्ड बटन जो है इसमें ऑटो मेन्यू का है, हमारा फोर्थ फंक्शन। इससे आप ऑटो मेन्यू सेलेक्ट करेंगे। मैनुअल में A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 तक आपको मेन्यू दिए गए हैं। ऑटो मेन्यू को प्रेस करेंगे, A1 स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। ये आपका राइस के लिए है, इसमें पावर और फंक्शन वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। टाइम नॉब से आप उसका वेट सिलेक्ट कर ले। ये 0.100 ग्राम शो कर रहा है आपको, 0.200 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स एंड 500 ग्राम्स। स्टार्ट रीसेट बटन से आप कुकिंग को स्टार्ट करें, राइस आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑटो मेन्यू का सेकंड ऑप्शन वेजिटेबल के लिए है। इसी तरीके से टाइम नॉब से उसका वेट सिलेक्ट करें, पावर और टाइम वो अपने आप ले लेगा। स्टार्ट रीसेट से वो कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। थर्ड ऑटो मेन्यू इसमें मीट का है। आप टाइम सेटिंग से ही इसका वेट सिलेक्ट करें, पावर और टाइम माइक्रोवेव अपने आप ले लेगा। इसके बाद आपका A4 डिस्प्ले कर रहा है, जो आपका नूडल्स के लिए है। नूडल्स या मैगी आप बनाना चाहते हैं, इस ऑप्शन में सिमिलरली आपको वेट सिलेक्ट करना है, पावर और टाइम वो अपने आप लेगा। ये ऑप्शन आपका फिश के लिए है। इसी तरीके से इसका भी वेट सिलेक्ट करें, पावर और टाइम वो अपने आप लेगा। लास्ट इसमें जो फंक्शन है A6, ये आपका रीहीट के लिए है। अगर आप खाने को दोबारा गर्म करना चाहते हैं, A6 फंक्शन से आप उसको गर्म कर सकते हैं। आपको सिर्फ उसका वेट सिलेक्ट करना है, पावर और टाइम माइक्रोवेव अपने आप ले लेगा। ये इसके 6 ऑटो मेन्यूज थे। इसके नीचे आपका फोर्थ बटन जो है क्लॉक और टाइमर का है। इससे आप माइक्रोवेव में क्लॉक सेट कर सकते हैं। इसको सेट करने के लिए क्लॉक बटन को प्रेस करें, फर्स्ट 2 0 ब्लिंक होने लगेंगे, जो आपके आवर्स को डिस्प्ले करेंगे। ये 24 आवर बेस्ड क्लॉक है। इसके आवर्स को सेट करने के लिए टाइम और डिफ्रॉस्ट नॉब को रोटेट करें क्लॉकवाइज। जैसे कि अभी टाइम हो रहा है 12:40, ये आपको दिन के 12 बजे का टाइम शो कर रहा है। 40 मिनट को सेट करने के लिए क्लॉक बटन को दोबारा प्रेस करें, मिनट के लिए ये 2 0 ब्लिंक करने लग जाएंगे। टाइम सेटिंग नॉक से इसको सेट करें, फोर्टी मिनट्स इसमें डिस्प्ले कर रहा है। क्लॉक और टाइमर बटन को प्रेस करके कंफर्म करें, आपकी क्लॉक सेट हो गई है। क्लॉक टाइमर के साथ टाइमर बटन का भी ऑप्शन है, जिससे आप डिले टाइम सेट कर सकते हैं। डिले टाइम सेट करने के लिए क्लॉक टाइमर बटन को प्रेस करें। अगर आपको आवर्स सेट करने हैं कि कितने आवर्स आपको डिले करना है, तो आप टाइम सेटिंग ऑप्शन को सेट कर लें। यह अब आपको दिन का 1 बजे का टाइम, जो ग्रीडेड क्लॉक में 13:40 शो कर रहा है, मिनट सेट करने के लिए
टाइम से मिनट सेट कर ले जितना आपको डिले करना है। उसके बाद आप क्लॉक टाइमर बटन को नहीं दबाएंगे। अगर आप इसको दबा देंगे तो एक क्लॉक सेट हो जाएगी। फंक्शन को सिलेक्ट करने के लिए माइक्रो जैसे हमने सेलेक्ट किया, पावर 100 आ गया। टाइम सेट करें टाइमर नॉब से, 40 सेकंड्स सेलेक्ट हो गया है इसमें। उसके बाद स्टार्ट रीसेट बटन दबा के आप इसको स्टार्ट कर दें, अपने आप डिले टाइम स्टार्ट हो जाएगा और आपके प्रीसेट डिले टाइम पे ये काम करना शुरू कर देगा। इनके साथ फंक्शन सिलेक्ट नहीं करना चाहते या उसकी पावर सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप उसकी पावर और टाइम का बटन स्किप कर सकते हैं, या आपके 2 घंटे जो आपने सेट करे उस टाइम पे बीप करेगा 5 टाइम्स, वो आपको रिमाइंडर देगा कि 2 घंटे का जो आपने इसमें सेट किया था वो स्टार्ट हो चुका है। इस बटन से आप डिफ्रॉस्ट सेटिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जब आप इसको रोटेट करेंगे स्क्रीन पे डिफ्रॉस्ट डिस्प्ले होगा। इसमें सिर्फ आपको वेट सेलेक्ट करना है, पावर और टाइम माइक्रोवेव अपने आप ले लेगा। हमने इसको रोटेट किया, डिफ्रॉस्ट डिस्प्ले हो रहा है इसका, यहाँ से टाइम और यहाँ से डिफ्रॉस्ट लेता जाएगा इसका। आप वेट सेलेक्ट करें, ये 200 ग्राम्स डिस्प्ले करेगा। मैक्सिमम आप इसमें 2 kgs कर सकते हैं, 2 kgs से ऊपर ये डिफ्रॉस्ट फंक्शन काम नहीं करेगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ स्टार्ट रीसेट बटन प्रेस करना है और ये स्टार्ट हो जाएगा।